हेलो स्टूडेंट, टुडे वी रीड साइंस क्लास 8th लेसन फर्स्ट। टॉपिक है नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल फर्टिलिटी, अर्थात मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक तरीका क्या है। सबसे फर्स्ट है क्रॉप रोटेशन अर्थात फसल चक्रीकरण। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज वाई क्रॉप रोटेशन। मिट्टी में उर्वरकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्रीकरण एक दूसरा मेथड है। क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। क्रॉप रोटेशन वह तरीका है जिसमें हम फसल को एक के बाद दूसरी फसल उसी खेत में उगाने से हम उस खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर ग्रो क्रॉप लाइक व्हीट और वार्ले इन द फर्स्ट ईयर। किसान पहली साल में गेहूं की फसल या ज्वार की फसल उगाते हैं। दिस इज फॉलो बाई ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पी और सोयाबीन इन द नेक्स्ट ईयर। उसी खेत में किसान अगले सीजन पर लेग्यूमिनस दाल वाली फसल जैसे पी या सोयाबीन उगा सकते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद द नाइट्रोजन। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी में नाइट्रोजन को बनाए रखने में मदद करते हैं। दूसरा टॉपिक है लीविंग द फील्ड फैलो। खेत को बिना जोते खुला रहने से छोड़ देने से भी हम खेत में उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फैलो फॉर वन और मोर सीजन। हम खेत को बिना जोते एक या एक से अधिक सीजन तक उसे पड़ा रहने से उसमें उर्वरा शक्ति बनी रहती है। फैलो लैंड विल रीजनरेट द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स। जो फैलो लैंड होगी वह खोए हुए पोषण शक्ति को फिर से पैदा कर देगी। However, due to high demand of food grains, this method is no longer followed. बढ़ती हुई खाद्यान्न की समस्या के कारण इस प्रक्रिया को हम अधिक समय तक लागू नहीं कर सकते। अगला टॉपिक है इरिगेशन सिंचाई। सीड्स नीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर टू जर्मिनेट। बीज को बड़ा होने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर ग्रोथ एंड फॉर मेकिंग फूड वाई द फोटोसिंथेसिस। पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है अपनी वृद्धि के लिए। यह वो मिट्टी से प्राप्त करते हैं और इसके द्वारा वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ द फील्ड शुड बी वाटर्ड एट प्रॉपर इंटरवल्स।
एक अच्छी स्वस्थ फसल उत्पन्न करने के लिए खेतों में समय समय पर पानी देना चाहिए। वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज इरिगेशन। फसलों में पानी एक निश्चित समय अंतराल के दौरान देने की क्रिया को इरिगेशन सिंचाई कहते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। समय समय पर पानी देने की प्रक्रिया अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार की होती है। सॉइल टू सॉइल, अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार से पानी दिया जाता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन समर्स इज हायर ड्यू टू इंक्रीज रेट। गर्मी की सीजन में पानी को बहुत अधिक मात्रा में खेतों में दिया जाता है, जिससे कि फसल सूख ना जाए, और गर्मी में इवेपोरेशन की क्रिया बहुत अधिक तेज़ी से होती। सैंडी सॉइल नीड मोर वाटर देन क्ले सॉइल। रेतीली मिट्टी में चिकनी मिट्टी की अपेक्षा वाटर इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के क्या स्रोत हैं, क्या साधन हैं। द मेन सोर्सेस ऑफ इरिगेशन इन आवर कंट्री आर रिवर, रिजर्वायर, लेक, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, डैम्स एंड कैनाल। हमारे देश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं नदियाँ, रिजर्वायर्स, लेक, झील, पॉन्ड, तालाब, वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स, डैम्स, बांध, कैनाल, नहरें एटसेट्रा। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज डिलीवर्ड बाई इरीगेशन कैनाल्स। इन विभिन्न साधनों से सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता है और नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है। और जबकि कुछ वेल्स से यह पानी बिजली के ट्यूबवेल, डीजल पंप के माध्यम से खींचा जाता है और सिंचाई की जाती है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई का ट्रेडिशनल मेथड क्या है। द फॉलोइंग मेथड ऑफ यूजिंग अवेलेबल वाटर ऑफ लेक, वेल एंड कैनाल फॉर इरिगेशन आर कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड। सिंचाई करने के हमारे प्राचीन साधन भी लेक्स, वेल्स और कैनाल हैं, झीलें, कुएं और नहरें हैं, जिनके माध्यम से हम पुराने समय से खेतों की सिंचाई करते आ रहे हैं। स्विंगिंग बास्केट मेथड, इस मेथड के द्वारा हम रहट के माध्यम से खेतों की सिंचाई करते हैं। मोट और सिंपल पुली सिस्टम, ये भी सिंचाई का एक माध्यम है। वाटर व्हील मेथड से सिंचाई करते हैं। चैन पंप मेथड से सिंचाई करते हैं। ढेकली और रहट लीवर सिस्टम से, ये विभिन्न स्रोत हैं जिनके माध्यम से पुराने समय में सिंचाई की जाती थी। इन ऑल दीज मेथड वाटर इज लिफ्टेड यूजिंग मैन पावर और एनिमल पावर। ये विभिन्न विधियां हैं जिनके द्वारा पानी ज़मीन के अंदर से मनुष्य के द्वारा या जानवरों के द्वारा खींचा जाता था और खेतों की सिंचाई की जाती थी। अगला टॉपिक है मॉडर्न मेथड इरिगेशन, आधुनिक सिंचाई सिस्टम। वंस द वाटर इज लिफ्टेड अ मेथड वाटर इकोनॉमिकली हैव बीन डेवलप्ड दीस डेज। एक बार फिर पानी को ज़मीन से खींचने का तरीका आज के युग में आर्थिक रूप से काफ़ी विकसित किया गया है। टू ऑफ दीज मेथड, उनमें से कुछ
दो तरीके हैं, स्प्रिंकल मेथड और ड्रिप सिस्टम आर गिविन बिलो। पानी को छिड़कवा विधि से और ड्रिप बूंद बूंद करके पानी खेत में लगाना। स्प्रिंकल मेथड इज यूज टू वेयर सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग, वेयर सफिशियंट वाटर नॉट अवेलेबल। जिस जगह पर मिट्टी बहुत रेतीली है वहाँ पर पानी बहुत तेज़ी से अवशोषित होता है, इसलिए वहाँ स्प्रिंकल छिड़कवा विधि से खेतों में फसलों में पानी लगाया जाता है। रोटेटिंग नोजल आर अटैच्ड प्रीपेंडिकुलर पाइप्स एट रेगुलर इंटरवल्स गेट स्प्रिंकल ऑन क्रॉप एट रेनिंग। और बरसात की तरह उनमें पाइप्स के माध्यम से स्प्रिंकल मेथड से सिंचाई की जाती है। अगला है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम से इकोनॉमिकली मेथड इरिगेशन है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप सिस्टम के द्वारा पौधों में पानी बूंद बूंद करके दिया जाता है, जिससे कि यह पानी पौधों की जड़ों में डायरेक्टली पहुंचता है और पानी बर्बाद नहीं होता। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस इन रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी पुअर। यह सिस्टम उन जगहों पर किया जाता है जहां पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आप लोग इस लेसन को पढ़िए, अध्ययन करिए और घर पर रहिए। थैंक यू।